अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने माँ बाप अपने फैमिलीज के साथ आराम से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग एक नाश्ते वाली रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है करेले फ्राई। यहाँ पे तो फ्रेश करेले इजीली अवेलेबल नहीं है, मेरे को अभी तक तो नहीं मिले, शायद होंगे बट मेरे को अभी तक तो फ्रेश करेले नहीं मिले। सो आई गॉट दिस पैकेट फ्रॉम इंडियन ग्रोसरी। ये फ्रोजन और वॉश्ड एंड कट करे हुए करेले हैं। सो आज हम लोग करेले फ्राई बनाएंगे। चलिए मैं पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती। सबसे पहले हम लोग लेंगे करेले, इसको बीटा मेलन भी बोलते हैं, बीटा गॉड भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी वॉश्ड है और स्लाइसेस में कट करे हुए है। सो दिस इज़ अराउंड 310 ग्राम्स। देन एक लार्ज अनियन थी, उसका सिर्फ हाफ मैं ली। उसको आप अच्छे से ऐसे स्लाइसेस कट कर लीजिए, अच्छे फाइनली स्लाइस करिए। देन 1.5 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये है माश की दाल, स्प्लिट ग्राम जो बोलते हैं। इसको वॉश करके यूज़ करिए, डायरेक्टली मत यूज़ करिए। सो मैं ऑलरेडी इसको वॉश कर ली। देन हैंडफुल ऑफ कड़ी पत्ता, करी लीव्स, हैंडफुल ऑफ कोथमीर, देन ऑयल एज रिक्वायर्ड। इसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू फ्राई दिस क्रिस्पी। देन फ्यू ग्रीन चिलीज, वैसा इन टोटल ये 4 है जिसको मैं स्लिट कर ली। सो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा जो हमारे बेसिक ड्राई इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो है सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, देन 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, देन ये हम लोग लेंगे 1/4 टीस्पून। थोड़ा हम लोग इसके करी में भी डालेंगे और थोड़ा हम लोग जब करेले को हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में नमक और हल्दी लगा के उसको थोड़ी देर रख देंगे तो जब भी यूज़ करेंगे। देन 1.5 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर करेला फ्राई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करेला फ्राई। सबसे पहले ये जो हमारे करेले हैं आप इसको अच्छे से फाइनली स्लाइस करिए। ये तो ऑलरेडी है, आप ये देखिए ये थोड़ा थिक है, देन ये एकदम थिन है। सो ये अनइवन है, लेकिन जब आप करेंगे इसको कट तो अच्छे इवनली स्लाइस करिए। सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही करना है। देन इसमें हम लोग अ पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से आप मिक्स करिए, अच्छे से इसको मिक्स करिए। ऐसा करने से करेले के अंदर जो कड़वापन रहता वो कुछ हद तक कम हो जाता ये करने से। इसको करके एक 15 मिनट्स के लिए तो भी एटलीस्ट आप रख दीजिए, और जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे नमक से इसका जो मॉइस्चर है वो और ज़्यादा रिलीज़ होगा। वो होने के बाद में आप इसको इस तरीके से, अभी तो खैर नहीं होगा बट आप देख सकते हैं, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा अलॉन्ग विथ इसका जो बीटरनेस है। तो ये मैं अभी इसको रख के एक 15 मिनट्स के लिए मैं इसको रख दूंगी, उसके बाद इसको पूरा ऐसा स्क्वीज करके इसका पूरा मॉइस्चर निकाल लूंगी। ये देखिए हमारे जो करेले थे उसमें से इतना सारा मॉइस्चर निकला, और ये है वो ड्राई करेले, एकदम लिटरली ड्राई हो गए। ये वाला जो जूस है आप इसको डिस्कार्ड मत करिए, इसको पी लीजिए। आई नो इट्स वेरी टफ कि ये कैसा पीएंगे, बट बिलीव मी इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है करेले के जूस के, स्पेशली दोज हु आर डायबिटिक, उनके लिए अच्छा है। करेले का डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं या करेले का जूस बना के भी इस्तेमाल कर सकते। व्हेन आई एम मेकिंग दिस रेसिपी, ये रेसिपी जो है हमारे एक्चुअली दादी माँ के लिए ख़ास तौर से बनती थी। ये दादी माँ वॉज अ डायबिटिक पेशेंट और मम्मी उनके लिए बनाते थे हमेशा करेले फ्राई करके उनको नाश्ते में देते थे। सो दिस इज़ बेसिकली माय मम्स रेसिपी विच वाज स्पेशली मेड फॉर माय दादी माँ। तो आज मैं जब ये बना रही तो आई एम मिसिंग माय दादी माँ अलॉट। सो ये जूस प्लीज़ इसको डिस्कार्ड मत करिए, इट इज़ वेरी टफ टू हैव इट बट ट्राई करिए, अगर पॉसिबल है तो पी लीजिए। होपफुली ये वाला मैं पी लूँगी आज। सो चलिए हम लोग अब बनाना शुरू करते। सबसे पहले आप ऑयल डाल लीजिए, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालिए क्योंकि इसको हम लोग क्रिस्पी बनाने वाले हैं।
ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो गया आप इसके अंदर डाल दीजिए ये हमारी जो दाल थी। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से वॉश कर लें बिफोर यूजिंग। तो बस थोड़ा सा हल्का फ्राई होने दीजिए। इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे कड़ी पत्ता, करी लीव्स और ग्रीन चिलीज। फ्लेम आपका एकदम मीडियम पे रखिए, फुल पे मत रखिए, अदरवाइज आपकी ये जो दाल है वो ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी। निकलो अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे हमारी जो अनियन थी वो। अब ये प्याज जो है ये ट्रांसल्यूसेंट होने तक आप इसको अच्छे से भून लीजिए। आई कैन नॉट रिकलेक्ट कि मैं आपको ये इसकी क्वांटिटी कितनी बोली दाल की, लेकिन ये जो दाल है सिर्फ बघार के लिए ही डालना है। मेरे को थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती इसलिए मैं ये 1.5 टेबल स्पून ली, लेकिन ये सिर्फ बघार के लिए ही है। तो आप इसको 1 टेबल स्पून भी लेंगे तो इट्स मोर देन सफिशियंट। देखिए हमारी जो प्याज है वो हल्की गुलाबी और जो ट्रांसलूसेंट बोलते वैसी हो गई। इसको कम्प्लीटली फ्राई नहीं करना है, एकदम लाल नहीं करना है ये स्टेज पे। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, नमक, और जो हमारे करेले थे मॉइस्चर निकलने के बाद देखिए ये करेले सिर्फ इतने ही हो गए, तो ये पूरे ऐड कर देंगे हम लोग। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये पूरे श्रिंक हुए तक हम लोग को इसको भूनना है, इसको एक हल्का ब्राउन कलर आ जाना प्लस ये अच्छे क्रिस्पी हो जाना। तो ये स्टेज पे अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से रेड चिली पाउडर, ज़्यादा मत डालिए बिकॉज हरी मिर्ची है। इसी के साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब इसको अच्छे से मिक्स करिए और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करिए मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल भी फुल पे मत रखिए अदरवाइज ये जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो बस इसको भूनते रहना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमारे जो करेले थे ये काफ़ी हद तक क्रिस्पी हो गए। अगर आप इसको कोई भी ग्रेवी वाले सालन के साथ सर्व कर रहे हो तो इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी रखिए, लेकिन अगर आप नाश्ते में रोटी के साथ पराठे के साथ सर्व कर रहे हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए। सो दिस इज़ डन नाउ, अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले फ्राई तैयार है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये एक नाश्ते वाली रेसिपी है, करेले मसाले के भी रहते और मसाले के सालन में भी करेले बनते, इंशाल्लाह आगे वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए करेले का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा है। तो आप ये फ्राई करके मसाले में या भरवा करेले या कोई भी फॉर्म में करेले का इस्तेमाल करिए, करेले के काफ़ी बेनिफिट्स है। एंड करेले का जो ये जूस है तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सो ट्राई करिए इसको इस्तेमाल करने के लिए। और अब ये जो जूस है अब मैं पीने वाली हूँ, सो आई विल टेल यू माय रिएक्शन आफ्टर दिस। ये ज़बरदस्त कड़वा था बट आई इन्जॉयड बिकॉज इसके अंदर हल्दी और नमक थे तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये करेले काफ़ी कड़वे दिख रहे तो जब आप इसको फ्राई कर रहे एक क्वार्टर टीस्पून ऑफ शुगर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, दैट विल फर्दर कट दी बिटरनेस। लेकिन मैं नहीं प्रिफर करती इसलिए मैं नहीं डाली, आप चाहे तो डाल सकते हो, उससे आपके जो ये करेले हैं ये थोड़े और ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, कैरमलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये ज़रूर ट्राई करिए एंड करेले का जूस भी ट्राई करिए, इट वॉज रियली गुड एंड विथ अ डिफरेंट टेस्ट, आई लाइक इट। सो होपफुली यू विल ऑल्सो लाइक इट। सो इंशाल्लाह अगली बार एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।